हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लोको ज्ञान में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये मेरी 18th वीडियो है। इससे पहले अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Q44 एवं BP2 DJ से DJ बंद करते समय यदि LSCHB का जो लैंप है वो नहीं बुझता है तो Q44 कब छोड़ेंगे? तो किसी कारणवश अगर जो LSCHB का जो लैंप नहीं बुझता है तो हम ऑलवेज 4 सेकेंड में जो है उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कि ICDJ मिलने पर यदि BLDJ स्विच खराब हो तो आप क्या करोगे? अगर BLDJ स्विच खराब है तो हम पिछली कैब से DJ बंद करके कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है ICDJ मिलने पर क्या कार्रवाई करेंगे जबकि Q118 एनर्जाइज है? आपको पता होगा कि ICDJ मिलने पर हम Q118 की जांच करते हैं, Q45 और Q44 की जांच करते हैं इसी सीक्वेंस में। और आपने चेक किया, सबसे पहले देखा तो Q118 रिले बोर्ड पर गई, आपने देखा कि एनर्जाइज हैं। तो अब हम किसकी जांच करेंगे? तो Q44 और Q45 की जांच करनी है। तो उसके लिए हम रिले बोर्ड पर खड़े होकर वहीं से BP2 DJ है दबाकर DJ बंद करने की कोशिश करेंगे। तब वहाँ पर Q45 और Q44 की जांच करेंगे, देखेंगे कि ऑपरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट है C105 खुला रहने पर ट्रिपिंग कब होगी? तो कोई भी अभी जो ब्लोअर्स का कॉन्टैक्टर है जैसे C105 6 या 107 का कॉन्टैक्टर अगर कोई खुला रह जाता है BLVMT को ऑन करने पर, ठीक है, तो उस समय तो ट्रिपिंग नहीं होगी। अगर खुला रहने पर Q118 की ब्रांच पर, तब ये ट्रिपिंग कब होगी? जब आप 6th नोच लेते हो तो 6 सेकंड के अंदर, मतलब 5.6 सेकंड में ही ट्रिपिंग हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा 6, 5, 6 और 7 के जो इंटरलॉक है उसको बाईपास किया हुआ है साइड में से GR 0 से 5 के इंटरलॉक के द्वारा। तो इस वजह से 6th नोच लेने के 6 सेकंड के अंदर ट्रिपिंग हो जाती है। नेक्स्ट है जो फ्यूज CCB है कितने एम्पियर का होता है? 35 एम्पियर का होता है। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है कि स्विच बोर्ड पर आपने देखा हो कितने फ्यूज़ पड़े होते हैं 35 एम्पियर के, तो जो सबसे बड़ा होगा आप ऊपर से ही देखकर आप उसको पता कर सकते हो, तो टोटल 2 होते हैं 35 एम्पियर के। नेक्स्ट है कि CCRA जो कैप हीटर का है ये कितने एम्पियर का होता है? तो 16 एम्पियर का होता है। फर्स्ट नोच लेने पर ट्रिपिंग होने पर किस स्विच को थर्ड पर रखते हैं? तो फर्स्ट नोच ट्रिपिंग है तो वो क्या होती है आपकी HVSI जो Q44 के ब्रांच पर आपने देखा हुआ ऊपर लगा हुआ है, इसके इंटरलॉक लगे हुए हैं QVSI 1 और QVSI के इंटरलॉक है उनको बाईपास किया हुआ है GR0 के इंटरलॉक की तरह। तो जैसे ही फर्स्ट नोच लेते हैं तो ट्रिपिंग हो जाती है। तो हम किसकी जाँच करते हैं? ब्लोअर्स के काम की जाँच करते हैं, मतलब देखेंगे कि ब्लोअर्स सही है कि नहीं है या रिले में ख़राबी है किस में है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, HVSI 1 और HVSI 2 को बाईपास कर देते हैं। नेक्स्ट है अगर ट्रिपिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ट्रिपिंग नहीं हुई है तो मतलब कि आपके जो ब्लोअर्स में ही खराबी है या तो रिले उसमें खराबी है। तो नेक्स्ट है कि MVSI 1 के कार्य ना करने पर ट्रिपिंग कब होगी? तो जो MVSI का जो ब्लोअर है, VSI ब्लॉक का जो पहला ब्लोअर है RSA ब्लॉक 1 का, उसके काम ना करने पर ट्रिपिंग कब होगी? तो एक नोच लेते ही ट्रिपिंग हो जाएगी। यदि C105 का अंडर इंटरलॉक खराब है तो इंटरलॉक में खराबी है या C105 6-7 का इंटरलॉक खुला हो तब भी आपका 6 नोच लेते ही 6 सेकंड के अंदर ट्रिपिंग हो जाती है, मतलब 5.6 सेकंड टोटल उसमें ट्रिपिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है GR आपका 3 नोच पर फंस जाता है, ठीक है, तो ट्रिपिंग होगी या नहीं यदि अब हम MP को 0 पर लगाते हैं? तो आपको पता होगा कि अगर MP आपका 0 पर हो और GR किसी नोच पर हो तो जो रिले Q46 है वो क्या होगी, उसके एनर्जाइज वो एनर्जाइज हो जाएगी। तो इसके एनर्जाइज होने पर जो इसका इंटरलॉक लगा हुआ है Q118 की ब्रांच पर, एनर्जाइज होने से वो क्या होगा, NC इंटरलॉक वो ओपन हो जाएगा। तो Q44 है जो सॉरी Q118 है वो क्या हो जाएगी, डी एनर्जाइज हो जाएगी 5.6 सेकेंड में, तो ट्रिपिंग हो जाएगी रिले Q46 के द्वारा। नेक्स्ट है कि ICDJ मिलने पर किस किस फ्यूज की जाँच करते हैं? तो CCBA CCPT और
सीसीडीजे फ्यूज की हम जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेटपीटी को एक पर रखा है लेकिन पेंटो ना उठे, तो डीजे बंद करते समय हमको क्या संकेत मिलेगा, तब हमको आईसीडीजे मिलेगा। नेक्स्ट, बीएलआर डीजे छोड़ते ही ट्रिपिंग हो रही है, तो किसमें खराबी है, तो पीएलआर डीजे छोड़ते ही ट्रिपिंग हो रही है, तो ऑपरेशन बी बाई क्यू थर्टी, तो रिले क्यू थर्टी के में खराबी है। नेक्स्ट है, डीजे बंद करने के लिए कम से कम कितना प्रेशर होना चाहिए, तो 6.5 kg का प्रेशर होना चाहिए डीजे बंद करने के लिए। नेक्स्ट है 171, आईसी डीजे मिलने पर फ्यूज सीसीबी या सीसीपीटी की हम जांच करेंगे या नहीं करेंगे, जबकि पेंटोग्राफ उठा है तो हम इसकी जांच करेंगे। नेक्स्ट है, बैटरी का ऑन लोड वोल्टेज, ऑन लोड है मतलब कोई ना कोई चीज़ का लोड पड़ रहा होगा, तो किसका पड़ेगा, वो कंप्रेसर का, तो हम क्या करेंगे, डीजे खोलकर सीपीए चलाकर जेड बी यू जुबा स्विच है, जो उसको टॉगल स्विच है, उसको ऑन करके बैटरी वोल्टेज को चेक करते हैं, तो उस समय जो वोल्टेज आती है हम उसको कहते हैं ऑन लोड वोल्टेज। अगर सीपीए आपका बंद हो, ठीक है, और एचबीए को एक पर करते हो और डीजे खुला है, तब जेड बी यू बी ए स्विच को दबाने से जो बैटरी का वोल्टेज आता है वो ऑफ लोड वोल्टेज होता है। नेक्स्ट है कि एलएसपी और एलएसआरएसआई की जो बत्ती है टेस्ट करने के लिए कौन सा स्विच लगा होता है, तो ड्राइविंग डेस्क पर आपने देखा होगा जहाँ पर बीपीपी या बीपीआर लगा होता है, वहीं पर एक बीपीटी स्विच होता है, तो इसको दबाने से दोनों लैंप ऑन हो जाते हैं, मतलब जलते हैं, तो हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं कि चल रहे कि नहीं चल रहे। तो पायलट लैंप के ना जलने पर किस किस फ्यूज़ की जांच करेंगे, तो पायलट लैंप नहीं जा रहा है, तो पायलट लैंप को जो सप्लाई है वो कहाँ से मिलती हुई है, एडिशनल सीसीपीए से मिल रही है और एक सीसीएलएस से मिल रही है, ठीक है, तो हम इसकी जांच करेंगे। सीसीपीए नहीं करना है क्योंकि इसका सीसीपीए से कोई मतलब नहीं है, सप्लाई इसको डायरेक्ट इन्हीं फ्यूज़ के द्वारा मिल रही है। चलती गाड़ी में एसीपी होने पर कौन सा लैंप जलेगा, तो चलती गाड़ी में अगर एसीपी हो जाती है तो क्या होगा, एसीपी होने से बीपी ड्रॉप होगा, तो एलएसएएफ, एयर लीकेज हो रही है तो एलएसएएफ का जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा। सीसीपीए के मेल्ट होने पर पायलट लैंप जलतेगे या नहीं, मैंने बताया था अभी इसका सीसीपीए से कोई मतलब नहीं होता, पायलट लैंप का इसको सप्लाई वहाँ से नहीं है, तो जो पायलट लैंप हैं वो जलेंगे। एडिशनल सीसीबीए के मेल्ट होने पर पायलट लैंप जलेंगे या नहीं, इसको सप्लाई मिल रही है एडिशनल सीसीबीए से, तो अगर यही मेल्ट हो गया तो सप्लाई नहीं जाएगी, तो पायलट लैंप नहीं जलेंगे। नेक्स्ट है 178, एलएसआरएसआई लैंप की जो सिग्नलिंग रिले है वो कौन सी है, तो वो है 63। नेक्स्ट, डीसीडीसी कन्वर्टर को जो सप्लाई है वो कहाँ से मिलती है, तो डीसीडीसी कन्वर्टर को जो सप्लाई है वो बैटरी से मिलती है, जो कि ये कहाँ पर लगा होता है, कॉरिडोर नंबर 2 पर लगा होता है, कॉरिडोर नंबर 2 और जो कैब नंबर 2 के पीछे वहाँ पर लगा होता है। बैटरी चार्जर के काम ना करने पर कौन सी रिले एनर्जाइज होती है, तो QB61 एनर्जाइज हो जाती है। Q48 किस लैंप की सिग्नलिंग रिले है, तो ये LSP की है। नेक्स्ट है कि LSDJ की जो सिग्नलिंग रिले है वो कौन सी है, तो QB60 है। नेक्स्ट, बैटरी चार्जर एम्पियर कितना होना चाहिए, तो 2 से 7 एम्पियर का होना चाहिए। 184, LSV के लैंप की सिग्नलिंग रिले कौन सी है, तो ये 64 है, ये आपको सब पता होना चाहिए। रिले QB61 के ख़राब होने पर क्या संकेत मिलेगा, तो रिले QB61 जो कि बैटरी चार्जर का है रिले है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसका जो इंटरलॉक है वो LSEHB की ब्रांच से हटेगा नहीं, और अगर हटेगा नहीं तो लैंप ये क्या होगा, जलता रहेगा। नेक्स्ट है, CCLS मेल्ट होने पर LSDBR जलेगा या नहीं, तो LSDBR जलता रहेगा। नेक्स्ट है, क्योंकि उसको जो सप्लाई आ रही है वहाँ CCB के रास्ते से आ रही है। नेक्स्ट है, CCLS मेल्ट होने पर QRS की जो पोजीशन है वो क्या होगी, तो QRS है डी एनर्जाइज हो जाएगी।
नेक्स्ट है, सीसीपीटी के मेल्ट होने पर कौन सा पायलट लैंप नहीं जलेगा? तो सीसीपीटी के मेल्ट होने पर एलएसडीबीआर नहीं जलेगा। 189 लैंप एलएसडीबीआर के ना बुझने पर अधिकतम कितना ब्रेकिंग नॉच ले सकते हैं? तो अधिकतम 5 नॉच ले सकते हैं। ऑटो फ्लैश लाइट टेस्ट करने के करते समय एमपीजे किस पोजीशन पर होना चाहिए? अगर आपने ऑटो फ्लैश लाइट देखना है कि चल रही है कि नहीं, तो उसके लिए एक कंडीशन है कि आपका एमपी या तो फॉरवर्ड पर हो या रिवर्स पर हो, तब हम जो है ऑटो फ्लैश लाइट का जो टेस्टिंग है स्विच है TSFL उसको ऑन करते हैं। अब जल रही है तो आपकी फ्लैश लाइट सही होगी। आरपी करते समय नो टेंशन होने पर क्या होगा? अगर आरपी करते समय नो टेंशन हो जाती है तो जो आईपी वाल्व है उसके डी एनर्जाइज होने से बीपी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। HMCS 2 की पोजीशन 3 पर है तो आरपी को करेंगे या नहीं करेंगे? आपको पता होगा कि अगर कोई भी अब नॉर्मल कंडीशन, मैंने बताया था कि अगर HMCS स्विच है नॉर्मल पोजीशन 1 पर हुआ तभी हम आरपी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पोजीशन 2 पर है जो किसी भी पोजीशन पर होगा 1 के अलावा, तब हम आरपी को नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। नेक्स्ट है कि ऑटो फ्लैश लाइट अगर ना चले तो किस फ्यूज़ की जांच करेंगे? तो CCLSA की जांच करेंगे। यदि ऑटो फ्लैश लाइट माल फंक्शनिंग करने लगे तो आप क्या करेंगे? तो माल फंक्शनिंग करिए तो क्या करेंगे हम, QFL को एनर्जाइज हालत में हम वेज कर देंगे। रिले QFL एनर्जाइज होती है कब होती है? तो ये SW स्विच को दबाने पर एनर्जाइज हो जाती है, और इसके एनर्जाइज होने पर जो फ्लैश लाइट है वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है और बजर भी बजना बंद हो जाता है। PR1 का टाइम लैग कितना है? 60 सेकंड का टाइम लैग है। ट्रेन में जल्दी बीपी प्रेशर बनाने के लिए लोको पायलट किस स्विच को दबाता है? तो बीपी को क्विक चार्जिंग करने के लिए एक स्विच होता है BPSW जो कि ड्राइविंग डेस्क पर लगा होता है, तो BPSW को हम दबाते हैं। नेक्स्ट है, किस स्विच को दबाने पर MV4 वाल्व एनर्जाइज होता है? तो BPSW एनर्जाइज होता है, मतलब BPSW के एनर्जाइज होने पर दबाने पर MV4 एनर्जाइज होता है, और जो 20 mm का जो डाया उसके रास्ते से जो बीपी है वो क्विक चार्ज होता है, वो बीपी प्रेशर। रिले QFL की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है? तो ये डी एनर्जाइज होती है, और एनर्जाइज कब होती है? जब हम SW स्विच को दबाते हैं। नेक्स्ट है कि रिले Q119 का टाइम लैग कितना है? तो ये 5 सेकंड की टाइम लैग रिले है। SW को दबाने पर कौन सी रिले एनर्जाइज हो जाती है? तो QFL एनर्जाइज हो जाती है। ब्रेकिंग आरबी करते समय CTF 1 2 3 के हैंडल किस तरफ होने चाहिए? अगर आप ट्रैक्शन में जा रहे हो तो हैंडल ऊपर की तरफ होने चाहिए, अगर ब्रेकिंग में जा रहे हो तो हैंडल नीचे की तरफ होने चाहिए। 203 आरपी करते समय लाइन कॉन्टैक्टर की पोजीशन क्या होती है? तो लाइन कॉन्टैक्टर क्या होते हैं आपके, ओपन हो जाते हैं। अब मैं पूछूं कि ओपन कब होते हैं? जब आप एमपी को पी पर रखते हो 0 से P पर, तो उस समय जो है लाइन कॉन्टैक्टर ओपन हो जाते हैं, वो जो C145 का कॉन्टैक्टर होगा वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट है, QE QF1 QF2 का टारगेट गिरने पर DJ खुलेगा या नहीं खुलेगा? तो DJ नहीं खुलेगा। नेक्स्ट है 205, RB करते समय IP इलेक्ट्रो वाल्व की क्या पोजीशन होती है? तो एनर्जाइज होती है। नेक्स्ट है, रिले Q50 वेज है तो RB करेंगे या नहीं करेंगे? तो हम कोई भी नॉर्मल कंडीशन है कि ठीक है रिले Q50 को वेज किया तो हम RB नहीं कर सकते हैं। QF1 F12 का टारगेट गिरने पर रीसेट करेंगे या नहीं करेंगे? तो रीसेट नहीं करेंगे। एमपी को पी पर करने पर कौन सा कॉन्टैक्टर बंद होता है? तो जैसे ही एमपी को पी पर रखते हैं तो C145 का कॉन्टैक्टर है वो बंद होता है। ट्रैक्शन में गाड़ी चलाते समय CCPT मेल्ट होने पर बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा या नहीं होगा? तो यस, बीपी प्रेशर वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। 210, CCA मेल्ट होने पर ऑटो फ्लैश लाइट काम करेगी या नहीं करेगी? अगर CCA मेल्ट हो जाता है तो काम नहीं करेगी, क्योंकि CCA फ्यूज से ही इसको जो CCA इसे ही इसको ऑटो फ्लैश लाइट सर्किट को जो सप्लाई मिल रही है। 211, एयर ड्रायर यूनिट से लीकेज हो रही है तो क्या करेंगे? तो उसको आइसोलेट कर देंगे। ऑटो ड्रेन वाल्व से अगर लीकेज होने पर
अच्छा एक क्वेश्चन इसमें है कि एयर ड्राई यूनिट को हम आइसोलेट कर देंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, जो सी इन सी आउट है ऐसे होता है ना, दो कोक लगे होते हैं बीच में एयर ड्रायर है ठीक है, और एक बाईपास करने के लिए ये होता है कोक, तो नॉर्मल कंडीशन में जो डी इन और डी आउट हैं और एयर ड्रायर ऊपर रहने पर इनके एयर ड्रायर काम करेगा और उस समय ये क्लोज रहता है। अगर आइसोलेट करना है तो आपने एयर ड्रायर को आइसोलेट करने के लिए हम जो डी इन और डी आउट को हम क्या कर देते हैं, इनको हम क्लोज कर देते हैं और जो डी ऑफ है इसको ओपन कर देते हैं। तो अब इस रास्ते से आपका जो एम आर का प्रेशर है एम आर 2 से 3 में जाता है, तो एयर ड्रायर क्या हो गया आपका आइसोलेट हो जाता है। ऑटो ड्रेन वाल्व से लीकेज होने पर आप क्या करेंगे, तो उस कोक को हम बंद कर देंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी वाल्व अगर लीकेज हो रही है तो उसका एक आइसोलेटिंग कोक होता है, तो आपको उस आइसोलेटिंग कोक को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जैसे नेक्स्ट है वीड वाल्व से लीकेज होने पर आप क्या करेंगे, तो उसके कोक को हम बंद कर देंगे। V3 से लीकेज होने पर क्या करेंगे, इसका जो कोक होता है उसको बंद कर देंगे। MR4 नेक्स्ट क्वेश्चन है 215, MR4 का कटआउट कोक बंद है तो MR4 होगा या नहीं होगा। देखिए जो MR4 का कोक लगा हुआ है वो MR4 के बाद में लगा हुआ है ठीक है, अगर पहले ही लगा होता तो नहीं होता, लेकिन ये MR4 के बाद में लगा हुआ है तो इसका चार्ज होने से कोई मतलब नहीं है। तो MR4 तो चार्ज होगा लेकिन MR4 के बाद इसका जो प्रेशर वो आगे नहीं जाएगा, मतलब A9 SA9 हॉर्न वगैरह हो गए तो वहाँ पर प्रेशर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है TMU2B वॉल्व ट्रेल पर है आपका, तो MR4 होगा या नहीं होगा, तो MR4 होगा। नेक्स्ट है कि A9 से BP ड्रॉप ना होने पर क्या करेंगे, तो A9 को इमरजेंसी पर कर देंगे हम। एक HPSS हाई प्रेशर सेफ्टी वाल्व है जो कि किसका होता है, कंप्रेसर का होता है, ये 2 है मतलब CP2 के लिए है, तो इसके लीकेज होने पर क्या करेंगे हम, उस कंप्रेसर को हम आइसोलेट कर देते हैं। नेक्स्ट है अगला बीपी का एंगल कोक टूट जाने पर A9 को तुरंत इमरजेंसी पर हम क्यों करते हैं, ताकि हम जो MR का प्रेशर है वो ज़्यादा ड्रॉप ना हो, उसको बंद करने के लिए हम MR प्रेशर को बचाने के लिए हम A9 को तुरंत इमरजेंसी पर कर देते हैं। नेक्स्ट है कि पिछले कैब के A9 के कट आउट को खुले रहने पर रह जाने पर लोको का क्या प्रभाव होगा। अब क्या होगा अगर पिछले लोको का A9 भी कट आउट कोक भी खुला है और वर्किंग कैब का अगले का भी खुला है, तो जो है बीपी ड्रॉप नहीं होगा, केवल इमरजेंसी पोजीशन पर ही बीपी ड्रॉप होगा। नेक्स्ट 221, लोको का बीपी लीक टेस्ट करते समय कितना लीकेज अलाउड है। अगर लोको का बीपी लीक टेस्ट करें तो 0.7 kg/cm² जो है वो ड्रॉप होना चाहिए 5 मिनट में। आपको बीपी लीक टेस्ट करने का जो प्रोसीजर है वो पता होना चाहिए ठीक है। नेक्स्ट है SA9 से ब्रेक लगाने पर लोको ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर जाएगा। कन्वेंशनल लोको में 3 kg का प्रेशर जाता है ठीक है, 3 फेज लोको में 3.5 kg जाता है। अगर A9 से ब्रेकिंग कर रहे हो तो अगर PVEF आपने नहीं दबाया तो 1.8 kg/cm² का प्रेशर जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि बीपी लीक टेस्ट करते समय कौन सा कोक बंद करते हैं, तो LNT कोक को हम बंद कर देते हैं। FP अगर लीक टेस्ट करना है तो उसमें हम जो है फीड वाल्व कोक है उसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है कि WAG7 लोको में लोको ब्रेक टेस्ट करते समय कितने एम्पियर पर लोको मूव करना चाहिए, तो 800 से 850 एम्पियर। अगर WAG7 की बात नहीं है, ये गुड्स लोको में, अगर मालगाड़ी का लोको है कोई WAG ठीक है, तो गुड्स ट्रेन में, तो ये 800 से 850 एम्पियर पर जो है लोको ब्रेक जो है टेस्ट करते समय लोको आपका मूव करना चाहिए। डेड लोको में MU2B वॉल्व की पोजीशन क्या होती है, तो डेड लोको करते समय इसकी पोजीशन ट्रेल पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग, मतलब कि अगर आप A9 से ब्रेकिंग कर रहे हो तो लोको ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम कितना प्रेशर जाएगा, तो मैंने बताया था, तो A9 से ब्रेकिंग कर रहे हो और आपने PVEF जो पेडल स्विच है उसको अगर आपने नहीं दबाया है
तब उस समय जो है लोको के ब्रेक सिलेंडर में 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाएगा। अगर PVEF दबाया तो लोको में ब्रेक नहीं लगेगी। ठीक है, इंजन का बीपी लीक टेस्ट करते समय A9 से कितना बीपी ड्रॉप करते हैं, तो 0.6 kg ड्रॉप करते हैं। और अगर ट्रेन का बीपी लीक टेस्ट करना है तो उस समय हम 1 kg ड्रॉप करते हैं। सीपी मतलब सीपी एफिशिएंसी टेस्ट आप करते हो तो किस स्विच को दबाकर रखते हैं, BPSW को दबाकर रखते हैं। गाड़ी का बीपी लीक टेस्ट करते समय अधिकतम कितना बीपी लीकेज अलाउड है, तो कितना अलाउड है, 1.25 kg ड्रॉप होना चाहिए 5 मिनट में। ठीक है, पहले 1 मिनट इंतज़ार करते हैं, उसमें जितना ड्रॉप होता है उसके अलावा अगले 5 मिनट में 1.25 kg पर सेंटीमीटर के ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये तो था गाड़ी का। ठीक है, और लोको का कर रहे हैं तो 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। डेड लोको में LNT कोक की पोजीशन क्या होती है, बंद होती है। मालगाड़ी के लोको में PNG हैंडल किस तरफ होता है, अगर मालगाड़ी का हैंडल है तो CR की तरफ होगा। ठीक है, और अगर पैसेंजर लोको है तो वाल्व की तरफ होगा। नेक्स्ट है, ट्रेन का बीपी लीक टेस्ट करते समय A9 से कितना ड्रॉप करते हैं, तो बताया मैंने 1 kg ड्रॉप करते हैं। 232 फीड वाल्व्स पाइप से प्रेशर किस MR से चार्ज होता है, तो FP को चार्ज करने के लिए जो प्रेशर आता है वो MR2 के रास्ते आता है। नेक्स्ट 233 ऑटो ड्रेन वाल्व किस किन MR के साथ लगा हुआ है, तो ऑटो ड्रेन वाल्व है वो MR1 और 2 के साथ लगा हुआ है। C3W वाल्व को आइसोलेट करने पर आइसोलेटिंग हैंडल किस तरफ होंगे, तब जो आइसोलेटिंग हैंडल को हम CR की तरफ करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।